जब भील आदिवासी कबीली के मुखिया आज के घर बेटी पैदा हुई जिसका नाम श्रमणा और दूसरा नाम शबरी रखा गया। कुछ सालों बाद शबरी के बड़े हो जाने पर उनके पिता ने उनका रिश्ता भील कुमार से तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। ये सुनकर शबरी दुखी हो गई और सोचने लगी, जब मैं ही नहीं रहूंगी तब ना विवाह होगा और ना बलि प्रथा, इससे ही मासूम जानवर भी बच जाएंगे। रात को शबरी जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते शबरी ऋषि पर्वत पहुँच गयी। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेंगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। शबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख दी। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। शबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार की हैं। तो ऋषियों ने उन्हें खूब डांट लगाई। अब हर कोई शबरी को उनकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता। इसके बाद शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हैं। उन्होंने खुशी खुशी उन्हें अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। शबरी गुरुकुल के सभी काम करती थी। शबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया और एक दिन, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ, बहुत साल हो गए हैं इस शरीर में रहते रहते। आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप मुझे अपने संग ले चलिए, मैं भी देह त्याग दूंगी। बेटी तुम चिंता मत करो, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा कि वो कौन है? राम कोई और नहीं बल्कि भगवान है। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे। तुम्हें उन्हीं के हाथों तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो बेटी। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। शबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान राम से मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए शबरी उन्हें चख लेती थी ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दें। रोजाना शबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और बेर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। शबरी का शरीर एकदम बूढ़ा हो गया। एक दिन आश्रम के पास के तालाब में शबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब शबरी को लगा तो चोट लग गई और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उस तालाब में पानी में गिर गई। पूरा तालाब पानी खून में बदल गया। पापिन तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने फिर गंगा जैसी पवित्र नदी का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो वैसा ही रहा। फिर भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन राम के पैर डालने के बाद भी वो पानी वैसा का वैसा ही रहा। ऋषि मुनियों ने भगवान से कई अन्य जतन करवाए लेकिन वो पानी जस का तस खून बना ही रहा। लेकिन ये तालाब का रंग ऐसे हुआ कैसे ऋषियों? वो महिला है ना पवित्र छोटी जात की, उसकी वजह से हुआ है प्रभु श्री राम। यह आप सब लोगों के खराब वचनों से हुआ है। शबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। कहाँ है वो माई? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी शबरी इसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इसी दौरान शबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ दूर उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है। देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। अभी सिर्फ
उनके पैर की थोड़ी सी धूल ने तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी, उन्होंने प्रणाम किया। हे भगवान, अब मेरी कुटिया में चलिए। फूलों से शबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लाए। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खा लिया। माई, आप मुझसे जो मांगना चाहें वो मांग सकती हैं। मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी प्रभु। आपका दर्शन हो गया, अब मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्याग दूंगी। उसी वक्त शरीर ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू दो पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गी का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गे की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी, प्रणाम। आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी, आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है ठीक है। फिर साधु उस पर जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं। आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है। अभी मजा चकाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है। तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। इसने मुझ पर हमला किया था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू, क्या कर रही है? आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देख कर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर
हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी। इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया। सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है। कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप होने का सुख दिया है। हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे, जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था, तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुंच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है, तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है, उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू, तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई, तू बहुत ही बदमाश है, आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण
शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। एक गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाने का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर एक मैकेनिक था और मशीन के रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में उसकी आरी मशीन रिपेयर कर रहा था, तब उसकी आरी मशीन अचानक से और खराब हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की पेड़ काटने वाली आरी मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी 50,000 कहाँ से दूं? मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो कड़क बोलता है, वो मैं नहीं जानता। तू मुझे पैसा लाके दे, मुझे कारोबार में बहुत नुकसान होने वाला है। पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और अपनी पत्नी पीलू से पूरी बात कहता है। ये लो, घर में बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, खड़क सेठ भी खतरनाक आदमी है। चलिए हम किसी से उधार लेकर आते हैं। उधार चुकाना ज्यादा आसान रहेगा कड़क सेठ की दुश्मनी के सामने। ऐसा कहकर बंटी और पीलू उधार लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्तेदार उधार नहीं देता है। कोई दोस्त या सहेली काम आती है। फिर वो दोनों हरिया तोते के पास पहुंचते हैं। हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे, बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुमको उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हरिया काका। खड़क सेठ की पेड़ काटने की मशीन खराब हो गई थी, तो इन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। अब उसकी भरपाई भी मांग रहे हैं। अगर हमने पैसा वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसे पीलू हरिया काका से कहती है। तो बंटी कहता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत, काम धाम में तो फायदा नुकसान चलता ही रहता है। वैसे तुम्हारा बर्फ का गोला बनाने का काम कैसे चल रहा है पीलू? तो पीलू कहती है, मैं अकेली ज्यादा गोले नहीं बना सकती हूँ, हाथ थक जाते हैं तो बहुत कम आमदनी होती है। तो हरिया बोलता है, बंटी तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक बर्फ का गोला बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से बर्फ के गोले बना सकती हो और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। तो बंटी कहता है, अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए बर्फ का गोला मशीन बनाऊंगा। अभी गर्मी का मौसम भी आने वाला है, स्कूल की छुट्टी में तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए बर्फ का गोला बनाने का मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर बर्फ का गोला और बहुत प्रकार के टेस्टी रंग बिरंगे गोले बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन खड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और तुम्हारे बर्फ के गोले का स्वाद भी अच्छा है, बचपन की याद आ गई। खड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। अब पीलू इस ऑटोमेटिक मशीन होने के कारण ज्यादा फ्लेवर के रंग बनाने में टाइम लगाती है, ना कि हाथ से गोला बनाने में, तो स्वाद और रंग बहुत अच्छे आते हैं। ये लीजिए सेठ जी 20,000 रुपये, बाकी हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है, मुझे इस मशीन का 3 गोले देना, ऑरेंज, काला कट्टा और केसरिया। खड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं, मुझे गोले देना मैंगो और खास। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता था, इनकी दुकान तो अब जरूर शोरों से चलने लगी है, मुझे इसकी कार्ड निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे।
ये मशीन में चोरी कर लूंगा, उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मशीन को ऑन कर बैठता है, जिससे उस पर बर्फ की बारिश हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ में फिसल जाता है और वो चीख उठता है। पीलू घबरा कर उठती है और चिल्लाती है, चोर आया, चोर, चोर को पकड़ो, अरे कोई तो सहायता करो। बबलू बिना देखे कालू को डंडे से पीटने लगता है। ऐसा पीटूंगा कि सारी जगह सूज हो जाएगी। अरे ये तो कालू है, कालू भाई आप हमारे घर इस मशीन को चुराने आए थे। तो कालू कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, पहले ही ठंडी से बुरा हाल है। मैं तो तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक बर्फ गोला मशीन से मुझे कोल्ड ड्रिंक बेचने में बहुत नुकसान हो रहा था। अब बर्फ में फिसलने के बाद तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आप मेहनत करते कालू भैया तो आज आपकी पिटाई खाकर ऐसी हालत नहीं होती। तो बंटी बोलता है, चोरी करने के बजाय तुम कहीं और दुकान ही खोल लेते कालू, तुम मुनाफे में रहते। अब जंगल छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन वादा करो कि अब के बाद बदमाशी नहीं करोगे। कालू बंटी और पीलू को वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की बर्फ की गोले बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।